आगे अगर मैं इसको देखूं एक बार, इस पूरे एंटायर एग्जिस्टेंस को हम रियलाइज कर पाते हैं, इसको एग्जिस्टेंस को इस एग्जिस्टेंस में रियलाइज कर पाते हैं, है ना, साथ ही इसको एग्जिस्टेंस के आधार पर नेचर की चारों अवस्थाओं की व्यवस्था को समझ पाते हैं, तो अब हमारी जो डिजायर होती है इस पूरी व्यवस्था में भागीदारी की ही डिजायर होती है, वही डिजायर होती है जो इस हार्मनी के अर्थ में है। वैसा ही हम व्यवस्था का विचार करते हैं, उसी अर्थ में आशाएं लगाते हैं, अर्थात हमारा पूरा इमेजिनेशन हमारे रियलाइजेशन और अंडरस्टैंडिंग के आधार पर हार्मोनियस हो जाता है। फिर उसके आधार पर हम बिहेवियर वर्क करते हैं, वो भी हार्मोनियस हो जाता है, तो हम सुखी होकर बाहर सुखी करने का काम कर पाते हैं। इसी को कहा टू बी इन अ स्टेट ऑफ हार्मनी इज हैप्पीनेस, और जब इसको कंटिन्यूटी में कर पाते हैं तो इसी को कहा निरंतर सुख। तो निरंतर सुख पूर्वक जीने के लिए ये हमारा इतना बड़ा या एक इतना इस तरह का एक प्रोग्राम है। अब अगर समअप को देखूं मैं, तो थोड़ा फास्ट समअप में करूंगा ना, इन 5 दिनों का एक समअप कर देता हूँ, है ना, फिर लौट के आगे। तो पहले दिन बात तो शुरू हुई थी कि ह्यूमन एजुकेशन संस्कार से लेके ह्यूमन सोसाइटी तक की यात्रा है, तो काम जरूर ह्यूमन एजुकेशन संस्कार पे कर रहे हैं, बट लक्ष्य तो ये है कि मानवीय समाज और मानवीय व्यवस्था ठीक से स्थापित होने में शिक्षा का मदद हो सके। तो एजुकेशन संस्कार से दृष्टि का बनना, उसके आधार पर मूल्यों का स्पष्ट होना, उसके आधार पर जीने की स्किल विकसित होना, उसके आधार पर जी पाना जिससे मानवीय समाज और मानवीय व्यवस्था में भागीदारी हो पाए। पहले दिन बात यहाँ से शुरू हुई थी, इसके लिए ये 3 चीजें डिस्कस की गई थी, समझ संबंध और सुविधा, तीनों आवश्यक है, तीनों से ही जाके वो काम पूरा होगा। जब आगे बढ़े थे तो हम लोगों ने इसके लिए क्या प्रोसेस अपनाएंगे समझने के लिए उस पर बात किए थे कि प्रपोजल्स रखेंगे, उसको आप वेरीफाई करेंगे, जी के देखेंगे, अगर हैप्पीनेस प्रॉस्पेरिटी इंश्योर हो रही है तो ये प्रपोजल आपके लिए ठीक है, अदरवाइज आप ये प्रपोजल ड्रॉप कर सकते हैं या और एक्सप्लोर करते हुए जारी रख सकते हैं। हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी को भी थोड़ा समझा था कि टू बी इन अ स्टेट ऑफ हार्मनी इज हैप्पीनेस, टू बी फोर्स्ड टू बी इन अ स्टेट ऑफ कंट्राडिक्शन इज अनहैप्पीनेस। सिमिलरली प्रॉस्पेरिटी को भी समझा था हम लोगों ने कि घर की आवश्यकता को पहचान पाना, उससे अधिक को सुनिश्चित कर पाना समृद्धि है, सिर्फ सुविधा जमा कर लेना समृद्धि नहीं है, अमीरी हो सकती है। समृद्धि के लिए तो आवश्यकता का पता होना भी आवश्यक है, जो कि समझ से होगा और सही स्किल से उसकी पूर्ति होगी, अर्थात हम समृद्धि को महसूस कर पाएंगे। आगे हम लोगों ने ह्यूमन बीइंग के हार्मनी को पढ़ा, तो सेल्फ और बॉडी के रूप में उनकी आवश्यकता, उनकी एक्टिविटी, उनके रिस्पॉन्सेज, उनके टाइप, इन सबका स्टडी किया। यहाँ जो मूल बात मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि बॉडी हार्मनी में बनी रहे, बॉडी स्वस्थ बनी रहे, इसके लिए सुबह नहाते हैं, धोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम हमारे घर में हैं जो दिन भर चलते रहते हैं बॉडी को स्वस्थ बनाए रखने के लिए। सेल्फ में भी कई तरह की बीमारियां हैं, टेंशन है, फ्रस्ट्रेशन है, डिप्रेशन है, ईगो है, अपमान है, द्वेष है, विरोध है, इन बीमारियों से मुक्ति के लिए दिन भर में हमारे पास क्या कार्यक्रम है सेल्फ के लिए, और कोई कार्यक्रम नहीं है तो बीमारियां घर करती जाएंगी या समय के साथ, है ना, खत्म होती जाएंगी, कम होती जाएंगी, है ना, बिना कुछ किए तो नहीं होगा। मुझे लगता है दोनों के लिए रोज हमारी जिंदगी में कोई ना कोई प्रोग्राम होना आवश्यक है। अगर इतनी बात ध्यान में आती है तो हार्मनी इन सेल्फ को और गहराई से देखने का प्रयास करते हैं, तो हम अपनी इस कल्पनाशीलता को देख पाते हैं, कल्पनाशीलता के सोर्सेस को देख पाते हैं। जैसे आज रिफ्लेक्शन आ रहा था, कई लोग इसको रिफ्लेक्ट कर रहे थे, और जितना हमारा ये इमेजिनेशन इस नेचुरल एक्सेप्टेंस के आधार पर चलता हुआ दिखता है, उतना हमारा सेल्फ हार्मनी में हो पाता है ना, और जितना हम मान्यता और संवेदना के आधार पर विवश होते हैं अपनी कल्पनाशीलता को चलाने के लिए, उतना हम स्वयं में इस डिसहार्मनी को देख पाते हैं, उतना ही बाहर हमसे डिसहार्मनी फैलता है। ये सारी बातें बहुत डिटेल में इस भैया ने की थी। फिर हार्मनी विद बॉडी पे बातचीत हुई थी, अर्थात बॉडी को भी देखें तो वो एक मटेरियल यूनिट है जो मटेरियल नियम के अनुसार चलता है। मैं सेल्फ अपने सेल्फ के आधार पर कुछ नियम बॉडी के लिए बना दूं जो मटेरियल नियम के अगेंस्ट हो, तो बॉडी उसको सपोर्ट नहीं करता, डिसहार्मनी में आता है, और उसी को हम लोग अस्वस्थ शरीर कहते हैं। तो मटेरियल के नियम से चलेगा, तो मटेरियल मटेरियल के नियम को समझ कर उसके हिसाब से चलने में हम बॉडी को सपोर्ट कर पाए, तो ये हार्मनी विद बॉडी की बातचीत हुई थी। सिमिलरली हार्मनी विद फैमिली की बात हुई थी कि फैमिली की हार्मनी को बनाए रखने के लिए 3 तरह के एक्सचेंज की जरूरत है। सुविधाओं के एक्सचेंज की जरूरत है, तो माँ खाना बनाती है, पिताजी बाहर से सामान लाते हैं, दादाजी उसकी सुरक्षा देखते हैं, तो बहुत सारा सुविधा के एक्सचेंज की जरूरत है। साथ साथ इन फीलिंग के एक्सचेंज की भी जरूरत है। सिर्फ सुविधा का एक्सचेंज से परिवार हार्मनी में नहीं रह सकता, आपस में इस फीलिंग का एक्सचेंज, सुविधा का एक्सचेंज तो कभी कभी, बट इस फीलिंग का एक्सचेंज तो कंटिन्यूअस आवश्यक है, और इस फीलिंग को हम कंटिन्यूअसली एक दूसरे से शेयर कर सके इसके लिए फीलिंग की समझ होना भी जरूरी है। तो जिसने भी इस फीलिंग को समझ लिया है वो खुद इसको कंटिन्यूअसली औरों के लिए पूरा कर सके,
और धीरे धीरे बाकियों को भी इस बात को समझने के लिए तैयार कर सके, वो भी उस फीलिंग को समझ लें, है ना, तो धीरे धीरे वो भी पूरा कर पाएंगे। तो हमारी जो शिकायतें हैं उससे मुक्त होकर परिवार को हारमोनी में, है ना, लाने में सहयोग कर पाएंगे। एक बात मुख्य ये थी। सामान्यतः इसमें भ्रम ये होता है क्योंकि विश्वास, सम्मान, स्नेह, ममता, वात्सल्य, श्रद्धा, गौरव, कृतज्ञता, प्रेम, इसमें से एक भी शब्द ऐसा नहीं है जिसको हमने आपने पहले नहीं सुना होता है। इसलिए ऐसा लगता है कि ये सब तो हम पहले से ही सुनते ही आ रहे हैं, करते आ रहे हैं, कुछ सुनते करते आ रहे हैं किसी न किसी रूप में, लेकिन फिर भी बहुत माइन्यूट डिफरेंस है। करने जाते हैं तो बहुत गहराई है, समझ कर प्रयास करने जाते हैं तो बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है, एंड इट मे टेक फ्यू मंथ, फ्यू ईयर्स, है ना। कंप्यूटर इंजीनियर बनने के लिए भी 4 साल 6 साल लगाते हैं हम लोग, संबंध में सफलतापूर्वक जी पाने के लिए कुछ वर्ष तो लगाने पड़ेंगे, मात्र 5 दिन और 8 दिन इनफ नहीं है कि हम इसको, है ना, इसमें कॉम्पिटेंट हो पाए। समझने में बहुत समय लगाना पड़ेगा, अभ्यास करने में समय लगाना पड़ेगा, पूरा परिवार मिलकर करे तो शायद कुछ महीने कुछ वर्षों में इसको अचीव किया जा सकता है। ऑफकोर्स इट्स ए लॉन्ग प्रोसेस। ट्रस्ट के बारे चाहना और करने के अंतर को लेकर बात किए थे हम लोग, सम्मान में दूसरे को अपने जैसा स्वीकार पाए, उस अर्थ में बहुत सारी बातचीत हुई थी। सिमिलरली देखेंगे तो अफेक्शन, केयर और गाइडेंस पे बात हुई थी, है ना, रिवरेंस, ग्लोरी, ग्रेटिट्यूड पे बात हुई थी, लव के बारे में बात हुई थी कि हर एक को संबंधी की तरह स्वीकार पाना प्रेम है, इन 9 भावों पे बात हुई थी। फिर न्याय पे बात किए थे जिसको अखंड समाज का हम लोगों ने बेसिस बताया था, है ना, फिर उसके आधार पर सोसाइटी के बारे में बात हुई थी। सोसाइटी में हम लोगों ने 4 लक्ष्य और 5 डायमेंशन के बारे में बात किया था। एक डायमेंशन को हम लोगों ने अभी एक्सप्लेन किया है, एजुकेशन एंड संस्कार। बाकी सारे डायमेंशन ऑफकोर्स जब हम लोग कभी किसी बड़े वर्कशॉप में मिलेंगे तो डिटेल में बात होगी। तो ये एक डायमेंशन में थोड़ा बहुत बातचीत हुआ है ना। नेचर के बारे में सिमिलरली ऐसे ही कल बात हुई, आज एक्सिस्टेंस के बारे में थोड़ी बहुत बात हुई। तो एक तरह से देखें तो हम लोगों ने इतनी बात की है आज तक। अगर इसको थोड़ा टॉप डाउन अप्रोच से समअप करें, अभी तो हम लोगों ने सेल्फ से शुरू तक एग्जिस्टेंस तक समअप किया। अगर टॉप डाउन अप्रोच लें अर्थात एग्जिस्टेंस से सेल्फ तक अगर इसको समराइज करें तो ये कैसे दिखता है एक बार, अर्थात दूसरे फॉर्म में कहूं तो 5 दिन की चर्चा को अगर एक पन्ने में समराइज करना हो, है ना, तो कैसे करेंगे उसको देखते हैं। तो अगर एग्जिस्टेंस को देखेंगे तो उसमें को एग्जिस्टेंस को समझने का प्रयास किया हम लोगों ने सेल्फ और स्पेस और यूनिट्स के बीच में, है ना। सो देयर इज अ को एग्जिस्टेंस इन स्पेस एंड यूनिट, है ना, उसको समझने का प्रयास किया। नेचर को जब समझने गए तो उसमें 4 ऑर्डर दिखा, उन 4 ऑर्डर में परस्पर पूरकता है, म्यूचुअल फुलफिलमेंट है, उसको समझने का प्रयास किया। सोसाइटी में जब स्टडी करने गए तो ह्यूमन नेचर रिलेशनशिप को देखा, ह्यूमन ह्यूमन रिलेशनशिप को भी देखा। तो एक तरह से वहां पर राइट अंडरस्टैंडिंग, प्रोस्पेरिटी, फियरलेसनेस को, एग्जिस्टेंस जैसे लक्ष्य को पहचाना और उसको पूरा करने के लिए 5 लेवल के प्रोग्राम्स को पहचाना। फैमिली को देखने गए तो फैमिली में बेसिकली, है ना, फीलिंग्स का कंटिन्यूअस एक दूसरे के लिए बने रहना और समय समय पर सुविधाओं का आदान प्रदान होना, इस रूप में उसको समझ पाए, अर्थात ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, अफेक्शन, केयर, लव तक की फीलिंग को समझने का प्रयास किया। एक ह्यूमन बीइंग को समझने गए तो सेल्फ और बॉडी के कोएक्जिस्टेंस के रूप में समझा, और सेल्फ को समझने गए तो डिजायर, थॉट, एक्सपेक्टेशन के कंटिन्यूअस एक इमेजिनेशन को समझा। तो एक तरह से पूरी बात को इस तरह से समझे हम लोग। एक और व्यू देखते हैं, ये जो कोएक्जिस्टेंस है यूनिट और स्पेस का, वही रिफ्लेक्शन वास्तव में नेचर के 4 अवस्थाओं में परस्पर पूरकता के रूप में, म्यूचुअल फुलफिलमेंट के रूप में दिखता है। अर्थात ये म्यूचुअल फुलफिलमेंट इसी कोएग्जिस्टेंस का एक अनदर रूप है, रिफ्लेक्टेड रूप है। तो वहां स्पेस और इकाइयों का कोएग्जिस्टेंस, यहाँ इकाई इकाई का कोएग्जिस्टेंस को म्यूचुअल फुलफिलमेंट कह रहे हैं। इस कोएग्जिस्टेंस को हम कितना समझ पा रहे हैं, इसी को राइट अंडरस्टैंडिंग कह रहे हैं। नेचर के साथ उस कोएग्जिस्टेंस को और अपनी बॉडी के साथ इस कोएग्जिस्टेंस को कितना समझ पा रहे हैं, उसी को प्रॉस्पेरिटी कह रहे हैं। आदमी आदमी के बीच उसको एग्जिस्टेंस को हम कितना देख पा रहे हैं, उसी को फियरलेसनेस कह रहे हैं। ऑफकोर्स नेचर एग्जिस्टेंस में तो कोएग्जिस्टेंस की बात हो ही रही है, तो ये चारों भी एक तरह से इसी कोएग्जिस्टेंस का रिफ्लेक्शन है। ट्रस्ट को भी देखने जाएंगे तो हम दोनों एक दूसरे को सुखी करना चाहते हैं, इसको कितना देख पा रहे हैं, अर्थात हम दोनों एक दूसरे के कोएग्जिस्टेंस में जो कॉमन लक्ष्य है उसको पूरा ही करना चाहते हैं, उसकी स्पष्टता को ट्रस्ट कहा, अर्थात इसी कोएग्जिस्टेंस का रिफ्लेक्शन ट्रस्ट भी है। रिस्पेक्ट भी उसी को एग्जिस्टेंस का रिफ्लेक्शन है, और हम सभी को एग्जिस्टेंस में इसको देख पाना ये लव है। एक तरह से सारी फीलिंग भी इसी को एग्जिस्टेंस का रिफ्लेक्शन है। सेल्फ और बॉडी तो को एग्जिस्टेंस है ही, और जितना हम उसको एग्जिस्टेंस को समझते हैं, हैप्पीनेस महसूस करते हैं, पीस महसूस करते हैं, सेटिस्फेक्शन महसूस करते हैं, ब्लेस महसूस करते हैं। ऑफकोर्स इस पर किसी बड़े वर्कशॉप में बातचीत होगी। तो एक तरह से सभी के सभी इसी को एग्जिस्टेंस का रिफ्लेक्शन है, है ना। तो अगर इस पूरे एक पेज को एक लाइन में समराइज करना हो तो हम कहेंगे कि एग्जिस्टेंस इज कोएक्सिस्टेंस।
अगर एक लाइन में समराइज करना, अगर इस पूरे 5 दिन के वर्कशॉप को एक शब्द में समराइज करना हो तो कहेंगे कोएक्सिस्टेंस। तो एक शब्द में भी बात हो सकती है, एक लाइन में भी बात हो सकती है, एक पेज में भी बात हो सकती है, 10 पेज में भी बात हो सकती है, और 8 दिन लगातार बात भी हो सकती है। इन सारे मुद्दों पे मुद्दा तो इतना है कि हम आप एक साथ बैठकर कितना समय इस पर लगाने को तत्पर है। तो अगर आप देखें तो ये सभी जितना येलो ब्लॉक में आपको दिख रहा है, ये सब कोएक्सिस्टेंस का रिफ्लेक्शन है, और वास्तव में ये सारी की सारी इन्हीं को कहा यूनिवर्सल वैल्यूज है ना, क्योंकि यूनिवर्सली हर ह्यूमन बीइंग के लिए एक जैसी है। थोड़ा वैल्यू शब्द को भी समझ लेते हैं, वैल्यू का क्या मतलब है। वैल्यू का मतलब है किसी भी एक, तो दो शब्द होते हैं बेसिकली, वैल्यू और प्राइस। तो जैसे पेन है, उसकी प्राइस 10 रुपए हो सकती है, बट उसकी वैल्यू क्या है? प्राइस इज नॉट द वैल्यू। वैल्यू क्या है उसकी? कि उसका लार्जर ऑर्डर में पार्टिसिपेशन क्या है। तो लार्जर ऑर्डर क्या है? तो लिखने पढ़ने का काम पेन के रेफरेंस में लार्जर ऑर्डर है। तो पेन का पार्टिसिपेशन क्या है? तो लिखने का काम आता है। ये जो लिखने का काम में आ रहा है, लिखने है उसका जो पार्टिसिपेशन है, यही उस पेन का वैल्यू है। अगर वो लिखने में के प्रक्रिया में उसका उपयोग खत्म हो जाए, तब वो पेन का वैल्यू आपके लिए कोई नहीं रह जाता। जैसे ही वैल्यू नहीं रह जाता है ना, आपके उसके लिए कोई प्राइस भी पे करने को तैयार नहीं होते। तो बेसिकली देयर इज अ डिफरेंस इन प्राइस एंड वैल्यू। ऐसे ही एक पानी का वैल्यू क्या है? तो आप 20 रुपए की बिस्लरी की बोतल खरीदते हैं, दैट इज प्राइस, नॉट वैल्यू। वैल्यू क्या है? वो हमारी प्यास बुझाता है, ये वैल्यू है ना। अगर ये वैल्यू खत्म हो जाए तो आप 20 रुपए पे नहीं करें, है ना। सिमिलरली मिर्चे का, सब्जी का, वेजिटेबल्स का क्या वैल्यू है? तो हमारी बॉडी को नर्चर देते हैं, अपने से बड़े ऑर्डर में उनका नर्चर देने का काम है, ये उनका वैल्यू है। तो ह्यूमन का क्या वैल्यू है? तो ह्यूमन से जो बड़े व्यवस्थाएं हैं उसमें ह्यूमन का क्या पार्टिसिपेशन है, यही ह्यूमन की वैल्यू है। तो फैमिली में उसकी जो पार्टिसिपेशन है, ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, अफेक्शन, केयर, लव के रूप में, ये फैमिली में पार्टिसिपेशन है। समाज में क्या पार्टिसिपेशन है? तो हर व्यक्ति को समझदार, हर परिवार को समृद्ध, समाज में अभय नेचर में कोएक्सिस्टेंस को बनाने के अर्थ में जो हम भागीदारी कर रहे हैं, ये सोसाइटी में हमारा वैल्यू है। और नेचर के साथ परस्पर पूरकता को निभाने के अर्थ में जो कर रहे हैं, ये आदमी की नेचर में वैल्यू है। और ऑफकोर्स एग्जिस्टेंस में तो कोएक्सिस्टेंस वैल्यू के रूप में है ही। अर्थात हम अपने से बड़ी व्यवस्था, फैमिली, सोसाइटी, नेचर, एग्जिस्टेंस में जो पार्टिसिपेशन कर पा रहे हैं, वही हमारी वैल्यू है। इस रूप में वैल्यू को भी समझ सकते हैं। तो इतनी बात हम लोग इस 5 दिन की चर्चा में करना चाह रहे थे। अब मैं थोड़ा इसके आधार पर अगर सेल्फ रिफ्लेक्ट करें, अर्थात हम इंडिविजुअली क्या कर सकते हैं, समाज के लिए क्या कर सकते हैं, एक डायरेक्टर के रूप में क्या कर सकते हैं, उन मुद्दों पर अगर थोड़ा मैं ध्यान आकर्षित कराऊं, है ना, तो कुछ प्रोग्राम ऑफ एक्शन का इन तीनों रेफरेंस में मैं बात कर लेता हूं। क्विक व्यू, ऑफकोर्स इंडिविजुअल स्तर पर मेरे लिए दो ही काम है मेनली, ये जो 4 लेवल की हारमोनी है उसको समझना और समझ कर उसको जीना, है ना। इसको करने के लिए 3 एक्टिविटी कर सकता हूँ। एक तो सेल्फ एक्सप्लोरेशन का, बहुत सारा प्रपोजल आपको 5 दिन में मिला है, अन्य जगहों से भी मिलता रहता है, हम उसको सेल्फ एक्सप्लोर करें, देखें कि उसमें नेचुरल एक्सेप्टेंस के आधार पर क्या दिखता है, उसको विचार में चला के हार्मनी की जगह क्या दिखता है, बाहर जीकर हार्मनी की जगह क्या दिखता है, ये सब हम सेल्फ एक्सप्लोर करना शुरू करें। सेल्फ एक्सप्लोरेशन को अपने कंटिन्यूअस जीने का एक हिस्सा बना लें, अर्थात हम बाहर से आने वाले किसी भी इनपुट को सिर्फ मानने के आधार पर न स्वीकारें, बल्कि उसमें जानना शुरू कर दें, सेल्फ एक्सप्लोर करना शुरू कर दें, लॉजिक लगाना शुरू कर दें। और बच्चे अगर लॉजिक लगा रहे हैं, प्रश्न खड़े कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो उनको अप्रिशिएट कर पाए, न कि उनको हैरेस करके हम रोकें। तो ये एक काम इंडिविजुअल के स्तर पर सेल्फ एक्सप्लोरेशन का है। दूसरा सेल्फ अवेयरनेस का, कि हमारे इमेजिनेशन में हर पल हर क्षण क्या चल रहा है, हम उसको लेके अवेयर हो पाए, क्योंकि वो हमारे सुख दुख का स्रोत है। दूसरे लोग भी हमारे सुख दुख के स्रोत हो सकते हैं, उस पर कभी और बात होगी, बट ये मेरा इमेजिनेशन भी मेरे सुख दुख का एक स्रोत के रूप में मैं देख पाऊं, तो इसके लिए मैं हर क्षण अवेयर हो पाऊं, फिर अपने इमेजिनेशन को इवेलुएट कर पाऊं कि ऊपर जो मैंने हार्मनी को समझा सेल्फ एक्सप्लोर करके, मेरा इमेजिनेशन है ना उस हार्मनी के अर्थ में चल रहा है कि नहीं चल रहा है। नहीं चल रहा है तो हम उसको चला पाए, तो व्यवस्था के अर्थ में, संबंध के अर्थ में, अस्तित्व के अर्थ में अपने इमेजिनेशन को इवेलुएट करके चला पाए, है ना, उसको विरोध, अव्यवस्था, संघर्ष के अर्थ में जो चल रहा है उसको देख पाए, उसका इवेलुएशन कर पाए, और जो नेचुरल एक्सेप्टेड ऊपर एक्सप्लोरेशन आया है उसके आधार पर सेल्फ में हम ये सब चला पाए। तो इतना सारा काम देखेंगे तो इंडिविजुअल स्तर का काम है, जो हम में से हर एक व्यक्ति इसको कर सकता है, ट्रेन में जाते समय, बस में बैठकर, गाड़ी चलाते समय, कॉलेज में काम करते समय, खाना खाते समय, हर क्षण इसको कर सकता है। तो ये इंडिविजुअल पे प्रोग्राम ऑफ एक्शन है। एक इंडिविजुअल सोसाइटी के लेवल पे क्या कर सकता है?
तो तीन योजनाएं हैं, एक योजना तो पीपल्स एजुकेशन प्रोग्राम, तो कोई भी व्यक्ति देखेंगे तो 20-25, 30-40-50 लोगों से डायरेक्टली इनडायरेक्टली कनेक्टेड होता है ना। उसमें कुछ पेरेंट होते हैं, कुछ टीचर होते हैं, कुछ पॉलिसी मेकर होते हैं, कुछ दुकान वाले होते हैं, कुछ खेती किसान वाले, इन सब लोगों से वो कनेक्टेड होता है। उनके साथ ये चार लेवल के हारमोनी की चर्चा को शेयर कर सकता है, धीरे धीरे उनको ऐसा समझने जीने के लिए प्रेरित कर सकता है। एक इंडिविजुअल समाज के स्तर पर ये काम कर सकता है। इन्हीं में से जो लोग टीचर हैं या पॉलिसी मेकर हैं वो अगले योजना पर फिर काम आगे बढ़ा सकते हैं कि वो इसको एकेडमिक कैरिकुलम में ले आए, इसके सिलेबस ले आए, इसके लिए टीचर तैयार कर लें और यूनिवर्सिटी और कॉलेज में इसको पढ़ाने लग जाएं, जिससे कि ये बातें हजारों बच्चों तक जा पाए। ये दूसरी योजना है। एक तीसरी योजना ये है कि जो बहुत सारे सिस्टम काम कर रहे हैं देश के भीतर, है ना, हेल्थ सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम है, पुलिस सिस्टम है, जुडिशरी सिस्टम है, ऐसे बहुत सारे सिस्टम है, ये सारे सिस्टम इस चार लक्ष्य को पहचान पाए जो ह्यूमन गोल है, और अपने जो सिस्टम का टारगेट है वो इस तरफ कर पाए और इसकी परस्पर पूरकता के अर्थ में प्रोग्राम बना के चला पाए। तो एक तरह से ये तीन तरह के काम हो सकते हैं। हम किस जगह पर हैं, हम कम से कम पहला तो कर ही सकते हैं। अगर एजुकेशन से जुड़े हुए, यूनिवर्सिटी कॉलेज से जुड़े हुए हम सब लोग हैं तो दूसरा भी कर सकते हैं, और जिन बच्चों को धीरे धीरे हम तैयार करके निकालेंगे भविष्य में, वो तीसरा भी बहुत तेजी से कर पाएंगे। इन दैट केस लेट से एजुकेशन हमको सपोर्ट नहीं करता, यूनिवर्सिटी सपोर्ट नहीं करती, कॉलेज सपोर्ट नहीं करता, ये सिस्टम सपोर्ट नहीं करता, तो हम अकेले क्या कर सकते हैं? तो हम अकेले कम से कम इस पूरी बात को समझकर जी सकते हैं। और ये काम हमें लगता है कि अगर हम कितना भी आराम आराम से करें तो भी 10 साल में कर सकते हैं। अर्थात 10 साल में जितनी बातें 5 दिन में हुई है, एक व्यक्ति आराम आराम से भी चले तो समझ सकता है, ऐसा जी सकता है। फिर अगले 10 साल में 50-30-40 लोगों के साथ इस प्रयोग को करके उनको ऐसा जीने के योग्य बनाने के लिए प्रयास कर सकता है। तो अगर 30-40 लोगों के साथ प्रयोग करेगा तो कोई 10 लोग ऐसा जीने के लिए तत्पर हो पाते हैं और धीरे धीरे जी पाते हैं। फिर उन 10 लोगों को हम प्रेरित कर सकते हैं कि अगले 10 साल में ऐसे 10 लोगों को प्रेरित करके तैयार करें, तो 100 साल में 1,000 करोड़ लोगों तक पहुंचा जा सकता है ना। वो भी तब जब हमको कोई यूनिवर्सिटी से सपोर्ट नहीं मिल रहा या पूरे सिस्टम से सपोर्ट नहीं मिल रहा, तब। अर्थात इस तरह से इंडिपेंडेंट रूप में भी चलें तो भी 100 साल में काम पूरा हो सकता है। 100 साल बहुत बड़ा लगता है, लेकिन अगर सिविलाइजेशन के तौर पे देखें कि वास्तव में तो ये तो पूरे पृथ्वी पर ह्यूमन सिविलाइजेशन को चेंज करने की बात हो रही है, उसमें जो गैप है उसको भरने की बात हो रही है, एक सिविलाइजेशनल चेंज की बात हो रही है, और सिविलाइजेशनल चेंज के लिए 100 साल कोई बहुत बड़ा समय नहीं होता है। लेकिन अगर यही यूनिवर्सिटी का सपोर्ट मिल जाए तो यूनिवर्सिटी में यही काम 20-50 साल में हो सकता है ना? और जैसे अभी तो सभी यूनिवर्सिटी आईसीटी इसको कर ही रहे हैं, तो जो ऊपर 100 साल में हम लोगों को लगता था 20 साल पहले, 15 साल पहले, अब लगता है ये काम 20-50 साल में हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से टीचर्स, डायरेक्टर्स, टीम इस बात की आवश्यकता को महसूस कर पा रहे हैं, समय लगा रहे हैं, अपनी तैयारी कर रहे हैं, उसके रिजल्ट्स देख पा रहे हैं, कहीं कम कहीं ज्यादा एज पर इनपुट, उसको देखकर जो उत्साह आ रहा है डायरेक्टर्स, टीचर्स और स्टूडेंट्स सब में, वो देखकर ऐसा लगता है कि ये 20-50 साल में भी ये काम पूरा हो सकता है। धीरे धीरे अगर सिस्टम भी इसमें इन्वॉल्व हो जाए ठीक से, बाकी सिस्टम्स भी, तो इस लक्ष्य को 20 सालों में भी हासिल किया जा सकता है। अर्थात हम अपने ही आंखों के सामने ऐसा सजता हुआ संसार देख सकते हैं जैसा सपना हमने बचपन से लेके आज तक देखा था। ये घटना इस धरती पर घट सकती है और शरीर को छोड़ने से पहले ये सुंदर भविष्य अगली पीढ़ी को देखे जा सकते हैं, और शायद शिक्षक होने की सार्थकता को हम इस धरती पर सिद्ध कर सकते हैं, और एक तृप्ति भरी जिंदगी हम, है ना, तृप्ति भरे लक्ष्य को कंटिन्यूटी में पूरा करने में लगाए इस सुख को भोगते हुए शरीर को त्याग सकते हैं। तो मुझे लगता है कि टीचर होना इस धरती पर सार्थक हो जाए हम लोगों का, अगर इस काम को, इस चार लेवल के हारमोनी को एक एक व्यक्ति समझ जाए और इस धरती पर इस तरह से जी पाए, तो एक ये सोसाइटी के लेवल पे एक बड़ा प्रोग्राम ऑफ एक्शन है जिसको हम लोग अपने अपने स्तर पे देख सकते हैं। इस बात को थोड़ा मैं ब्रीफ कर दूंगा क्योंकि मेरे पास लगभग 8-10 मिनट का ही समय है, तो थोड़ा ब्रीफली मैं इसको तेजी से कर देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे संस्था के डायरेक्टर, प्रिंसिपल अपने लोगों के साथ हैं, डीन अपने लोगों के साथ हैं, सीनियर फैकल्टी मेंबर अपने लोगों के साथ हैं, तो ये लोग डायरेक्टर, डीन या एक सीनियर फैकल्टी होने के नाते क्या कर सकते हैं संस्था में और अपने परिवार में, उसको ब्रीफली मैं आपके सामने रख देता हूँ। इंडिविजुअल और फैमिली स्तर पे लोग क्या कर सकते हैं या कॉलेज के स्तर पे क्या कर सकते हैं उसको देखते हैं। तो इंडिविजुअली बेसिकली
एक बात तो सबसे पहले मैं कहूंगा कि ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम है जिसको आप 5 दिन में कर रहे हैं, इसको हम लोग किसी फुल वर्कशॉप के रूप में नहीं देखते। आप लोग भी देख पा रहे होंगे जिस तरह से कम टाइम शॉर्टेज में बहुत सारी चीजें तेजी से गुजारी जा रही है, तो मात्र एक अवेयरनेस है। वास्तव में कभी आप 8 दिन का समय निकालकर फेस टू फेस चर्चा में पार्टिसिपेट कर पाए तो इन बातों में ज्यादा गहराई से हम लोग इस फीलिंग को महसूस कर सकते हैं। अपनी व्यस्तताओं के कारण अगर 8 दिन नहीं निकाल पा रहे हैं तो कम से कम 3 दिन का एक फेस टू फेस वर्कशॉप तो अवश्य कर लें, तो रियल टाइम फीलिंग आप इसको और गहरे से महसूस कर पाएंगे। और अच्छी बात तो यह है कि आप सब इसको देख पा रहे होंगे कि ये पूरी बात एक तरह से फैमिली से जुड़ी हुई है, तो अगर संभव हो तो अपने फैमिली मेंबर के साथ इसको अटेंड करें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि फैमिली ही तो हमारी पहली लेबोरेटरी है साइंस ऑफ रिलेशनशिप को एक्सपेरिमेंट करने की। अगर एक से अधिक परिवार के सदस्य इन नियमों को समझ लेते हैं तो लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करने में सहायता मिलती है ना। आप अकेले समझ के फैमिली में एक्सपेरिमेंट करने जाएं तो आप अलग थलग पड़ जाते हैं, देन इट्स रियली टफ। तो ये चार बातें तो इंडिविजुअल और फैमिली के स्तर पर हम लोग कर सकते हैं। कॉलेज के स्तर पर क्या कर सकते हैं, तो चार काम मैंने उसको लिखे, बट और भी बहुत सारे हो सकते हैं। एक तो UHV के जो कोर्सेज फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में आ रहे हैं उनको पढ़ाने के लिए आप टीचर तैयार कर सकते हैं AICT की हेल्प से। कॉलेज कम से कम एक रिसोर्स पर्सन अपने यहाँ डेवलप कर सकता है UHV का, जो बेसिकली वहाँ के स्टूडेंट टीचर उनके फैमिली सबके लिए गाइडेंस के देने वाला व्यक्ति हो। एक प्रश्न आता है कि टीचर और रिसोर्स पर्सन में क्या अंतर होगा, तो टीचर बेसिकली उसको कह रहे हैं जो इस चार लेवल की हारमोनी को सुना है, जीने का मन बनाया है, सहमत है, प्रयास कर रहा है ना, उसको टीचर कह रहे हैं। जरूरी नहीं है कि उसमें बहुत क्वालिटेटिव चेंज आ गया हो, जीना बहुत एक तरह से अलाइन हो गया हो, या कुछ थोड़ा बहुत हुआ हो, उसको कॉलेज के लोग एक तरह से रिफ्लेक्ट कर पाए, देख पाए, उसको स्वीकार पाए, ऐसा टीचर के साथ जरूरी नहीं है। बट रिसोर्स पर्सन टीचर्स में से ही कुछ टीचर होंगे जो रिसोर्स पर्सन के रूप में होंगे, जो इस पूरी बात को गहराई से समझे होंगे, एक्सपेरिमेंट किए होंगे, जीने में कुछ उनके रिफ्लेक्शंस आए होंगे, उन रिफ्लेक्शंस को उनके परिवार के लोग, कॉलेज के लोग अप्रिशिएट कर पा रहे होंगे और उनको अपने एक गाइडेंस के रूप में स्वीकार पा रहे होंगे, ताकि वो अपनी जिंदगी और कॉलेज की समस्याओं को उनसे चर्चा कर पाए और इस यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू के कॉन्सेप्ट के आधार पर वो गाइड कर पाए, अर्थात एक लिविंग गाइड के रूप में एक व्यक्ति हमारे संस्था में तैयार हो जाए। तो कम से कम ये टारगेट हम लोग कर सकते हैं कि हर संस्था एक रिसोर्स पर्सन अपने यहाँ डेवलप कर ले, उमेश जी जैसा, नरुला जी जैसा, उपासना दीदी जैसा, मोहित जी जैसा, ऐसे जितने लोग हैं है ना, जो कि एक तरह से अपने जीने के आधार पर लोगों को गाइड कर पाए, ना कि सिर्फ कॉन्सेप्ट के आधार पर। इस सभी काम को सुचारू रूप से करने के लिए आप कॉलेज में एक UHV सेल बना सकते हैं। इसके बारे में कल बहुत सारी बातें हुई हैं, इसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा, एक्टिविटी क्या होगी, आगे मैं डिस्कस करूंगा। अल्टीमेटली तो टारगेट ये है कि हमारा घर भी UHV का एक लिविंग मॉडल बन जाए और हमारा कॉलेज भी UHV का एक लिविंग मॉडल बन जाए, लेकिन ये बड़ा टारगेट है, इसमें वर्षों लग सकते हैं ना, 3 साल 5 साल, जैसा अग्रवाल जी कल शेयरिंग कर रहे थे, एक लंबा एक्सपेरिमेंटेशन उनका है, तब एक सेंस डेवलप हो पाया है, एक स्मेल डेवलप हो पाई है कॉलेज में, इट मे टेक फ्यू इयर्स, बट उस टारगेट को रख के आगे बढ़ना शुरू करें तो हो सकता है। अब थोड़ा इन चारों चीजों को थोड़ा सा मैं और एलाबरेट कर देता हूँ। जैसे प्रेजेंटेशन ऑफ प्रिपरेशन ऑफ UHV टीचर को अगर देखने जाएं, तो वास्तव में ठीक तो ये है कि हमको एक तरह से सारे ही टीचर्स को चार लेवल की हारमोनी की बात उन तक पहुंचानी है, क्योंकि मैथ पढ़ाने वाला भी इस चार लेवल की हारमोनी से जोड़ के मैथ पढ़ा पाए, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सभी व्यक्ति इस चार लेवल की हारमोनी से जोड़ के अपने सब्जेक्ट को पढ़ा पाए तो पूरकता होगी। इसलिए सारे टीचर तक तो पहुंचना जरूरी है, जिसके लिए 3 साल का समय तय किया गया है, 4 साल का, जिसमें सारे टीचर कवर हो जाए। लेकिन इनिशियली कहां से शुरू करें, किन टीचर से शुरू करें कि स्मूथ चल पाए कॉलेज में, उसके लिए मैंने कुछ पॉइंट लिखे हैं कि किस आधार पे आप टीचरों को इनिशियली सेलेक्ट करें इस काम के लिए, उसके लिए चार मैंने पॉइंट लिखे हैं। तो पहला कि किसी एक ही डिपार्टमेंट से सारे टीचर तैयार करें, ये ठीक नहीं है। हम कोशिश करें कि हर डिपार्टमेंट से लोगों को ले, ताकि इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हो इस पूरे बात का, है ना, और धीरे धीरे कहीं कोई ब्लॉकेज ना बनने पाए, एक बात तो ये। दूसरा ये कि जिन व्यक्ति को सेलेक्ट कर रहे हैं वो थोड़ा लॉजिकल हो, थोड़ा एनालिटिकल हो, चीजों को अलग अलग तरह से तर्क के आधार पर देख पाने के लिए, या जिन चीजों को मान लिया सिर्फ उस पर रिजिड ना रहे, है ना, तो ऐसे लॉजिकल लोगों को सेलेक्ट कर सकते हैं। ऐसे टीचर ज्यादा उपयोगी होंगे जो बच्चों और टीचर में पहले से ही एक कनेक्टिविटी रखते हों, है ना, वो इसको एक्सपेरिमेंट करने में काफी सहयोगी होंगे, है ना, और ऑफकोर्स वो टीचर थोड़ा कॉलेज में स्टेबिलिटी भी रखता हो, है ना, आपने तैयार किया फिर दूसरी जगह चला जाए बहुत जल्दी, तो फिर वो आपका सारा एसेट भी बेकार जाता है, तो थोड़ा स्टेबल भी हो
और इसके लिए बाहर से व्यक्ति लाने से ज्यादा अच्छा होता है इनहाउस व्यक्ति को ही डेवलप करें, क्योंकि वो कॉलेज के स्ट्रेंथ वीकनेसेस सबको जानता है, उसके आधार पर रियल टाइम प्रोग्राम क्या बन सकता है उसको ज्यादा आसानी से बना सकता है। इसलिए भी कॉलेज के ही व्यक्ति को इसके लिए डेवलप किया जाए तो ये ज्यादा उपयोगी है। तो टीचर्स को प्रिपेयर करने के लिए सिलेक्शन का आधार तो ये हो सकता है। एक्टिविटी क्या करें जिससे ये टीचर तैयार हो जाए, तो फर्स्ट ईयर में जो इंडक्शन प्रोग्राम के लिए मेंटर डेवलप करना है उसके लिए AICT दो एक्टिविटी करती है, उनके लिए 3 दिन के वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करती है, 8 दिन के वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करती है जिसकी सूचनाएं समय समय पर आपको AICT देती रहती है, तो आप उसमें लोगों को सेलेक्ट करके भेज के डेवलप कर सकते हैं। सेकेंड ईयर में जो कंपल्सरी क्रेडिट कोर्स आया है उसको पढ़ाने के लिए पहली दो एक्टिविटी तो टीचर किया हुआ हो 3 दिन का और 8 दिन का, लेकिन साथ साथ एक रिफ्रेशल कोर्स भी उसके लिए ऑफर करते हैं। रिफ्रेशल कोर्स का मतलब ये है कि इस वर्कशॉप में वही टीचर आएंगे जो 8 दिन 3 दिन का वर्कशॉप कर चुके होंगे, इसको थोड़ा पढ़ाने का और जीने का अभ्यास किए होंगे, थोड़े सफल हुए होंगे, बहुत जगहों पे असफल हुए होंगे, बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर दे पाए होंगे, बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाए होंगे, तो इन सारे सफलता असफलता के साथ 6 महीने बाद वो फिर एक जगह इकट्ठे होते हैं, अपनी सफलताओं को शेयर करते हैं, असफलताओं को शेयर करते हैं, और उसको वापस कैसे रिकैप किया जाए, रिकोप वहां से कोप अप करके ऊपर उठा जाए, इस पे जो भी रिसोर्स पर्सन वहां होते हैं उनका गाइडेंस लेते हैं, और फिर 8 दिन का एक रिफ्रेशल वर्कशॉप चलाते हैं जिससे कि हमारे टीचर्स में और स्ट्रेंथ आ पाए। ये 3 तरह के प्रोग्राम हम कर सकते हैं सेकेंड ईयर का कोर्स पढ़ाने के लिए। ये तो टीचर प्रिपरेशन के लिए। जहां तक बात है रिसोर्स पर्सन प्रिपेयर करने के लिए, तो उसमें भी सिलेक्शन के लिए क्या इंडिकेटर होंगे पहले उस पर बात कर लेता हूँ। 3 इंडिकेटर सिलेक्शन के लिए, तो ऑफकोर्स जो UHV टीचर है उन्हीं में से किसी को आप उन कुछ लोगों को सेलेक्ट करने के लिए रिसोर्स पर्सन बनाने का प्रयास कर सकते हैं। तो उसके लिए किन को सेलेक्ट किया जाए उसमें कुछ हेल्प करने के लिए कुछ इंडिकेटर हम लोगों ने डेवलप किए हैं। एक इंडिकेटर कि वो इस पूरी बात के यूजफुलनेस को देख पाए। कैसे पहचानेंगे कि वो देख पा रहा है कि नहीं, तो वो व्यक्ति इस पूरी बात को अपने पूरे परिवार के साथ सुनने के लिए तत्पर दिखेगा। तो परिवार के कुछ सदस्य और सदस्यों को शामिल करके इस बात को सुनाने का, इसको जीने का अभ्यास करने के लिए तत्पर दिखेगा। ऐसे व्यक्ति के बारे में निष्कर्ष बनता है कि इस पूरी बात के यूजफुलनेस को देख पा रहा है। दूसरा इंडिकेटर है सिलेक्शन के लिए कि डीप स्टडी के लिए रेडीनेस, अर्थात इस UHV के जो हायर लेवल, लेवल 2 लेवल 3 कोर्सेज आगे होते हैं AICT के द्वारा समय समय पर, उसमें जाने के लिए सेल्फ रेडीनेस हो, उसमें तैयार हो, तो डीप स्टडी के लिए रेडीनेस दिखता है। तीसरा मुद्दा है कमिटमेंट का, जो कितना कमिटेड है इस काम के लिए। उसको कैसे चेक करेंगे, हम लोग कैसे चेक करते हैं वो बताते हैं। तो अभी आप देखेंगे जितने भी लोग इस काम में लगे हैं, आप लिस्ट में देखते होंगे, बीच में लोग आपको दिखाते होंगे, दिखते होंगे PRP को फैसिलिटेटर, ये सब टीचर्स हैं किसी न किसी कॉलेज में अलग अलग जगहों पे, है ना। ये टीचर जो इस प्रक्रिया से गुजरे हैं आज के दिन अपनी सर्विसेज सोसाइटी के लिए एज अ गिफ्ट ऑफर कर रहे हैं। They are not charging not asking for a single rupees of honorarium, जो पहले दिन भी बात हुई थी, चाहे AICT से या यूनिवर्सिटी से या कॉलेज से किसी से भी इसके लिए किसी honorarium की डिमांड नहीं करते, है ना। उनको लगता है कि इससे उनके लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंज आए हैं, संस्थान में कुछ पॉजिटिव चेंज आए हैं, ये समाज में जाना चाहिए, इसलिए उसको अपनी सोसाइटी के गिफ्ट के रूप में इसको शेयर करते हैं। इनफैक्ट देखें कॉलेज से जो सैलरी मिल रही है वो हमारी समृद्धि के लिए है, पर ये काम तो वास्तव में सुख के लिए है, तो इसका रिटर्न सुख है, और कॉलेज में जो अन्य सब्जेक्ट हम पढ़ा रहे हैं उसका रिटर्न समृद्धि है, तो एक तरह से ये सुख समृद्धि दोनों से हो सकता है। आज के 15 साल पहले हमको ऐसा नहीं लगता था, हमको लगता बहुत रेयर घटना है कि आज के दिन कोई एक व्यक्ति इसलिए तैयार हो पाए कि बिना पैसे के लिए भी 8 दिन अपना समय लगाने को तत्पर हो इस काम के लिए। तो हमको शुरू में लगता था ये बहुत असंभव जैसी बात है, हम अपने टीचर जिन्होंने हमको इस पूरी बात को समझाया, जीने में सहयोग किया और आज भी गाइड करते हैं, वो जब कहते थे इस बात के लिए तो हमको बहुत अंदर से लगता था हाउ इट इज प्रैक्टिकली पॉसिबल कि कोई आदमी पैसे के लिए रात दिन मर रहा है फिर भी वो 8 दिन बिना पैसे के लिए लगाने को तैयार हो जाए। हम लोग UP, राजस्थान, पंजाब जैसे अन्य स्टेट में आज के दिन देख पा रहे हैं कि सैकड़ों लोग हैं, है ना, जो इस काम में बिना किसी ऑनरेडियम का डिमांड किए अपने सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं। इसलिए हम लोग का कॉन्फिडेंस तो पिछले 10-15 साल में बहुत बढ़ा है कि टीचर अभी जीवित है, टीचर के भीतर टीचर की आत्मा अभी जीवित है, वो इस पूरे काम को बहुत ठीक से, है ना, गहराई से समाज के लिए पहुंचा सकता है, है ना, और बहुत जो पूरे पृथ्वी पे जो ये सिविलाइजेशनल चेंज का काम है उसको गिफ्ट के रूप में करके दे सकता है किसी ऑनरेरियम के बिना भी। तो मुझे लगता है ये बात संभव है और किया जा सकता है। शुरू में हो सकता है थोड़ी कठिनाई अपने को महसूस हो, बट लेटर ऑन
बहुत कमिटेड लोग जब निकल के आते हैं तो पूरा प्रोग्राम बहुत ही सफलतापूर्वक चलता है। ये तीन इंडिकेटर है किसी भी लोगों को पहचान, और भी इंडिकेटर आप डेवलप कर सकते हैं। एक्टिविटी क्या करें इनको डेवलप करने के लिए, आपको ये तीन एक्टिविटी जो यूएचवी टीचर वाले हैं वो तो होंगे ही होंगे, साथ में जो AICTE हायर लेवल कोर्सेज करती है उसकी सूचनाएं आपको देगी, उसमें से ऐसे इंटरेस्टेड लोगों को आप भेज सकते हैं लेवल टू लेवल थ्री में, ताकि उनका डेप्थ इन हो सके। इसके साथ साथ जो वो समझे हैं उसको एक्सप्रेस करने का भी अभ्यास करने की जरूरत पड़ती है। मैंने समझ तो लिया बट एक्सप्रेस करने का अभ्यास नहीं किया तो एक्सप्रेस नहीं कर पाऊंगा, तो उस अभ्यास के लिए AICTE के जो वर्कशॉप्स होते हैं ऑफलाइन ऑनलाइन जगह जगह, उसमें हम लोग ऐसे लोगों को अवसर देते हैं एज ए ऑब्जर्वर आने का, कि 8 दिन रहे हम लोगों के साथ, उसको देखें ऑब्जर्व करें बारीकियों को दूसरे एंड से। अभी तो पार्टिसिपेंट की तरह कर रहे हैं, अब वो थोड़ा दूसरे एंड से इसको ऑब्जर्व करें बारीकियों को डिस्कस करें, फिर जब उनका ऑब्जर्वेशन करके कुछ कॉन्फिडेंस बनता है तो उनको को फैसिलिटेटर के रूप में हम लोग प्रमोट करते हैं कि वो कुछ एक सेशन लें दिन में कोई ना कोई एक रिसोर्स पर्सन की गाइडेंस में, फिर उसमें जो कमी रह जाती है उसको रिसोर्स पर्सन वहां पर फिल करते हैं गाइड करते हैं, फिर धीरे धीरे उनको पोटेंशियल रिसोर्स पर्सन के रूप में डेवलप करते हैं। जब वो पोटेंशियल रिसोर्स पर्सन के रूप में डेवलप होते हैं तो मेन सेशन उनको देते हैं, लेकिन रिसोर्स पर्सन वहां बैठे रहते हैं गाइड करते रहते हैं ब्रेक में। धीरे धीरे जब वो पोटेंशियल रिसोर्स पर्सन के रूप में उभर के आ जाते हैं और रिसोर्स पर्सन को कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अब ये व्यक्ति एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने नॉलेज को, तो फिर उनको इंडिपेंडेंट रिसोर्स पर्सन के रूप में हम लोग देख पाते हैं। वो अपने कॉलेज के लिए, आसपास के कई कॉलेज के लिए, पूरी सोसाइटी के लिए एक एसेट साबित होते हैं, है ना। आई होप आप भी अपने संस्थाओं में ऐसे लोगों को डेवलप कर पाएंगे। इस पूरी प्रक्रिया के लिए जो हम लोगों ने मॉडल अपनाया है पिछले कुछ वर्षों में, वो यही मॉडल है। दो काम इंश्योर करना है, व्यक्ति के अंदर अंडरस्टैंडिंग रिसोर्स पर्सन बनने के लिए व्यक्ति के अंदर अंडरस्टैंडिंग इंश्योर करनी है, और उसके एक्सप्रेशन पावर को एक तरह से प्रैक्टिस करके मजबूत करने का अवसर देना है। ये दोनों काम के लिए हम लोगों ने प्रोग्राम ड्रा किया है जो आपको दिख रहा होगा। अंडरस्टैंडिंग इंश्योर करने के लेवल वन रेफरेंसल, लेवल वन, लेवल टू, लेवल थ्री, कभी कभी हम लोग 1 मंथ प्रोग्राम भी करते हैं बहुत डीप रिसोर्स पर्सन डेवलप करने के लिए, तो एक तरह से अंडरस्टैंडिंग पार्ट को इंश्योर करता है। ऑब्जर्वर, LPC, को फैसिलिटेटर, PRP, रिसोर्स पर्सन, ये सब अलग अलग भूमिकाओं में जाके वो अपने एक्सप्रेशन को मजबूत करते हैं, और ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। इस प्रक्रिया से 2 साल में 1.5 साल में 3 साल में टीचर्स रिसोर्स पर्सन के रूप में डेवलप होकर आपके संस्था के लिए एसेट के रूप में डेवलप हो सकते हैं। ये टेस्टेड मॉडल है, हम लोग PTU में, पंजाब में, राजस्थान में, भूटान में, तमाम जगहों पे इस मॉडल को अप्लाई करके इस विधि से सैकड़ों रिसोर्स पर्सन्स को, पोटेंशियल रिसोर्स पर्सन्स को डेवलप करने में सफल हुए हैं। हमें लगता है आप भी अपने कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में सफलतापूर्वक इसको चाहें तो प्रयोग कर सकते हैं। इसमें NCCIP, AICTE या बाकी यूनिवर्सिटी जो ऑलरेडी इस मॉडल को इम्प्लीमेंट की है वो आपको असिस करने के लिए, हेल्प करने के लिए तत्पर होंगी, ऐसा मुझे पहले से ही विश्वास है। तीसरी बात है कि UHV सेल को एस्टेब्लिश करने के लिए क्या कर सकते हैं, तो इसमें तीन बातें हैं। एक तो उसका कॉन्स्टिट्यूशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी और उसकी एक्टिविटीज। कॉन्स्टिट्यूशन को देखने जाए तो ये उसका कॉन्स्टिट्यूशन होगा, इसमें डायरेक्टर उसके चेयरपर्सन होंगे उस सेल के, डीन होंगे, डीन या HOD लेवल के व्यक्ति कन्वीनर होंगे, कोऑर्डिनेटर कोई HOD या सीनियर लेवल के व्यक्ति हो सकते हैं, वो कोऑर्डिनेटर कोई सीनियर फैकल्टी हो सकते हैं, हर डिपार्टमेंट से एक एक फैकल्टीज के मेंबर होंगे, और स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव भी लेंगे जो वैल्यू एजुकेशन, यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज के कामों में इंटरेस्ट रखते हों, ऐसे लोगों का एक सेल कॉन्स्टिट्यूट होगा। ये स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव बहुत इंटरेस्टिंग रोल प्ले करते हैं। जब ये इस सेल के अंदर मीटिंग में शामिल होते हैं, इनके साथ डे टू डे एक्टिविटी में शामिल होते हैं, तो टीचर के माध्यम से इन बच्चों के जीने में भी चेंज आता है। एक टीचर के जीने में जब चेंज आता है तो बच्चे को उतना कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि वो भी कर पाएगा, उसको लगता है टीचर थोड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, वो कर पा रहा है, स्टूडेंट नहीं कर पाएगा। लेकिन अपने साथी के जीने में जब बच्चा चेंज देखता है तो उसका भी कॉन्फिडेंस आता है कि ये मेथडोलॉजी तो मेरे जिंदगी में चेंज के लिए भी इफेक्टिव हो सकती है। तो धीरे धीरे बच्चों में इस पूरे बात का एक स्वीकृति बनती है, उसमें ये स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव बहुत की भूमिका निभा सकते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करें तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है कि UHV1 का कॉम्पोनेंट जो इंडक्शन प्रोग्राम है उसको सक्सेसफुली इंश्योर करें उसकी डिलीवरी, ये सेल की पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सेकेंड ईयर में जो कोर्स क्रेडिट कोर्स के रूप में जारी लागू हो रहा है वो सफलतापूर्वक चल पाए, तो इस सेल की दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कई यूनिवर्सिटीज अब इस पे हायर कोर्सेज ऑफर करने लगी हैं एज ए ओपन इलेक्टिव। जैसे हम अगर अपनी यूनिवर्सिटी की बात करूं तो मेरे यूनिवर्सिटी में 7 हायर कोर्सेज एज ए ओपन इलेक्टिव हम लोग ऑफर कर रहे हैं। ऐसे बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी भी कुछ हायर कोर्सेज इसमें ऑफर कर रही है, पंजाब में भी कुछ प्रयोग हुए इस दिशा में। अब भी अपनी यूनिवर्सिटी में समय आने पर इन सब विषयों पर सोच सकते हैं। चौथी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सोशली रिलेवेंट प्रोजेक्ट। ये वैल्यू एजुकेशन के सेल के लोग हैं, ये समाज के तमाम समस्याओं को कलेक्ट करते हैं, करके
ये तमाम डिपार्टमेंट के फॉर्म में उसको कैटेगराइज करके डिपार्टमेंट को दे देते हैं कि आप प्रोजेक्ट बनाएं तो इन समस्याओं को ध्यान रखें, कि आपके प्रोजेक्ट इन समस्याओं को एड्रेस करते हुए हों तो बेटर है। फिर बाद में जब प्रोजेक्ट बन जाए तो उस प्रोजेक्ट के इवेल्युएशन में कुछ हिस्सा इस सेल को भी दें कि वो लोग जाके उसको इवेल्युएट करें कि सोशली जो आवश्यकता है उसको प्रोजेक्ट कितना पूरा कर रहा है, और वो मार्क्स उन बच्चों के प्रोजेक्ट इवेल्युएशन के ग्रेड में शामिल हो। तो इस तरह से हम कॉलेज के प्रोजेक्ट्स की दिशा सोशली रिलेवेंट दिशा में मोड़ सकते हैं धीरे धीरे, उसमें ये सेल एक बड़ी भूमिका निभा सकता है। एक और बात हमने लिखी है यहाँ पर, सोशल इंटर्नशिप। AICTE ने तमाम सेमेस्टर ब्रेक में सोशल इंटर्नशिप की बात की है। मुझे लगता है इसके नया प्रयोग अपने को सोचना चाहिए कि कुछ एक हफ्ते के लिए अपने यहाँ के कुछ बच्चों को हम लोग कहें कि जिस तरह के सोसाइटी में, जिस तरह के लाइफ स्टाइल में वो जीते हैं, उससे थोड़ा भिन्न तरह के जीने वाले लोगों के बीच जाके एक हफ्ता बिताएं। तो जैसे कोई एक बच्चा जाके किसान के घर बिताए, कोई एक बच्चा जाकर के है ना दूध डेयरी वाले के घर बिताए, कोई एक बच्चा जाकर के ठेले पे केला बेचने वाले के साथ एक सप्ताह का समय बिताए और उन एक्सपीरियंसेस को थोड़ा लिखे, शेयर करे प्रोजेक्ट के फॉर्म में क्या उसने फील किया। बड़े इंटरेस्टिंग रिजल्ट आएंगे इसके, मुझे लगता है। जैसे जब वो बच्चा देखता है कि वही लोग जो मॉल से, रेस्टोरेंट से है ना 180 रुपए की चीज लेते हैं और 20 रुपए टिप दे करके या 20 रुपए की चेंज कहके छोड़ के निकल के आते हैं, केले के ठेले पे जब खड़े होते हैं तो बोलते हैं कि कितने का है, तो बोलता है साहब 45 रुपए दर्जन, तो कहता है 40 ले लो, है ना। तो जो वहाँ 20 के टिप के रूप में, कीप द चेंज के रूप में छोड़ के चले आ रहे हैं, वही लोग यहाँ कैसा बदलाव का व्यवहार कर रहे हैं। वही जो पुलिस वाले आते हैं और ऐसे ही ठेले से फल उठा के खा लेते हैं, उनको कैसे वो झेलता है ना। कोई भी आके बड़ी गाड़ी वाला उनके ऊपर चिल्ला देता है साइड पे ऐसा करो, सब दुर्व्यवहार को वो कैसे झेलते हैं, है ना। तमाम तरह की मुश्किलों को झेलते हुए कैसे वो अपने फैमिली को रन कर रहे हैं। तो इन सब के प्रति एक विजन डेवलप होता है बच्चे में, एक रिस्पेक्ट डेवलप होता है। और सबसे बड़ी बात जो डेवलप होती है कि जिंदगी में कभी भी निराश होता है तो उसको वो प्रयोग याद आता है कि अगर वो अपने परिवार को संभाल सकता है इतनी विपरीत परिस्थिति में भी, तो मैं तो संभाल ही सकता हूँ। ऐसे बच्चे कभी डिप्रेस नहीं होंगे, कभी फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे, कभी जिंदगी में फेलियर नहीं महसूस करेंगे, अगर ये सोशल इंटर्नशिप को ठीक से हम लोग बच्चों के बीच में करा पाए। एक अगली रिस्पॉन्सिबिलिटी है इफ पॉसिबल, अगर कर पाए। वेल एजुकेशन की हम लोग वीकली 2-2 घंटे की मीटिंग प्रिस्क्राइब करते हैं कि सभी स्टूडेंट टीचर 2 घंटे के लिए मिलें, तमाम प्रयोगों को आपस में शेयर करें, उसके रिजल्ट्स को शेयर करें, फेलियर्स को शेयर करें, और एक दूसरे के साथ इस पर जो भी सहयोग करना है वो कर पाए। स्टूडेंट्स के लिए कुछ इवनिंग वर्कशॉप कर पाए, जैसा कल अग्रवाल जी ने, RK अग्रवाल जी ने शेयर किया होगा, विंटर समर में कुछ इनके लिए वर्कशॉप कर पाए। तो इस तरह की कुछ एक्टिविटी हर साल अपनी डिजाइन कर सकता है। लास्ट पॉइंट को बस मैं 1 मिनट में कंक्लूड करूंगा, मैंने थोड़ा समय 10 मिनट अधिक ले लिया अलॉटेड से, मुझे लगता है बाकी सेशन उससे डिस्टर्ब होगा, इस कारण मैं थोड़ा क्विकली इसको कर देता हूँ। कि कॉलेज को अगर लिविंग मॉडल के रूप में डेवलप करना है तो क्या कर सकते हैं, 4 काम मैंने लिखे हैं लोगों के अंदर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए। अर्थात अपने यहाँ जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ है, टीचर्स हैं, उनके फैमिली मेम्बर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, इन सबके अंदर इस 4 लेवल की हार्मनी की बात को इंश्योर करने के लिए, पहुंचाने के लिए उनके लिए समय समय पर वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इससे समझने वाला पार्ट इंश्योर होगा। फिर इसको जीने के लिए एक माहौल दे सकते हैं। तो जैसे हेल्थ के बारे में बात हो रही थी, तो हम कैंटीन के लोगों को इस बात के लिए अवसर दे सकते हैं कि वो अपने यहाँ सीजन के हिसाब से फ्रूट रखें, अंकुरित अनाज रखें नाश्ते के रूप में, लस्सी रखते हैं, है ना, तमाम तरह की जो हेल्दी चीजें हैं उसको कैंटीन में रखें, है ना, भले कम ही रखें क्योंकि अगर कम लोग हैं तो। ऐसे कल्चरल एक्टिविटी को डायरेक्शन दे सकते हैं कि उसके प्रोग्राम फीलिंग बेस्ड हो, जो फैमिली की फीलिंग को उभारते हों, टीचर स्टूडेंट की फीलिंग को उभारते हों, समाज की फीलिंग को उभारते हों, रादर देन एक्साइटमेंट ओनली, है ना। ऐसे वैल्यू बेस्ड अवेयरनेस प्रोग्राम हम बच्चों के पेरेंट्स के लिए वैकेशन के दौरान अपने यहाँ चला सकते हैं, है ना। एक तरह से अभी तो बहुत सारे पेरेंट्स कॉलेजेस को खासतौर से आजकल है ना किस रूप में देखने लगे हैं, मुझे लगता है उस पर बहुत चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जैसे ही हम टीच बच्चों के पेरेंट्स को बुलाकर 3 दिन 4 दिन एक मेहमान के तरह अपने कॉलेज में रखते हैं, 4 दिन उनके साथ रिलेशनशिप के इन गहरे मुद्दों पे बात करते हैं और वो उससे अपने परिवार की कुछ प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व होता हुआ देखते हैं, तब जो कॉलेज के प्रति उनके दृष्टि में परिवर्तन होता है ना, वो अपने बच्चे के भविष्य को संवारने वाले संस्था के रूप में दिखने लग जाते हैं, मात्र उनसे एक फीस वसूलने वाले संस्था के रूप में देखने की जगह। तो एक उनका दृष्टि परिवर्तन पूरे शिक्षक के बारे में, शिक्षक के बारे में, संस्था के बारे में होता है। फिर धीरे धीरे लोगों का ध्यान हम रिसोर्स यूटिलाइजेशन की तरफ भी दिला सकते हैं, है ना। ये सारे काम हम लोग लिविंग लेवल पे कर सकते हैं। ऑफकोर्स
आठ काम मैंने डिस्कस किए, बट ये आठ ही काम नहीं है, आप अपनी तरफ से भी डेवलप बहुत सारे करेंगे ही, मैंने मात्र एग्जाम्पल के तौर पे आपके साथ शेयर की है ना, तो इतनी बात है। तो उपासना दीदी, मोहित भैया, जी भैया, हाँ, तो चूंकि समय तो मैंने थोड़ा 5-7-8 मिनट अधिक ले लिया है, तो क्वेश्चंस कुछ एक दो ले सकते हैं अगर स्कोप हो तो, या ना हो तो इसको रोक भी सकते हैं। उपासना दीदी बताएं। भैया नहीं, अच्छा रहा, बहुत बढ़िया, पूरा प्रेजेंटेशन से एक इनसाइट मिली है भैया, तो थैंक यू फॉर दिस शेयरिंग। और एक दो जरूर क्वेरी ले लेनी चाहिए, फिर शिशिर भैया तक पहुंचेंगे हम लोग। जी, तो आप जी मोहित दो भैया, क्वेश्चन दो लेंगे, दो क्वेश्चन ले मात्र सकते हैं दो जी। क्वेश्चन लेंगे तो क्लियर। और अगर मुझे लगता है कि एग्जिस्टेंस की जो चर्चा की उससे अगर ना हो और ये इम्प्लीमेंटेशन से हो तो ज्यादा अच्छा है। एग्जिस्टेंस की चर्चा पे तो अपन कभी आगे मिलेंगे बड़े वर्कशॉप पे, तो जी डिटेल जी बात करनी पड़ेगी, वो तो मात्र सूचना के लिए था। जी जी डॉक्टर ऋषिकेश जी, डॉक्टर ऋषिकेश शंकर, प्रिंसिपल कल्याणी चैरिटेबल ट्रस्ट, सुन रहे हैं सर? माइक है, अनम्यूट कर लीजिए। हेलो सर। जी, नमस्ते सर, नमस्ते जी नमस्ते सर। जी सो आप आज का जो सेशन है बहुत ही अच्छा है सर, थैंक यू जिसमें सर। एज एडमिनिस्ट्रेटर मुझे समझ में आ रहा है कि ये यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज का दिन हर दिन कैसे उपयोग कर सकते हैं हम हमारे जीवन में। और तो ये जो आपने बोला है कि हम कुछ पेरेंट्स के लिए 1-2 दिन का सेशन रख सकते हैं, तो अगर हमें कुछ अवेलेबिलिटी रिसोर्स पर्सन की लगेगी तो हमें कैसे कांटेक्ट करने का, इसके बारे में कुछ बता सकते हैं सर आप? जी, अभी तो हम लोग इसमें दो तरह से सोच सकते हैं सर। एक तो जो ये ऑफलाइन वर्कशॉप होते हैं डिफरेंट स्टेट में, उसमें ट्रायल पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे कुछ 2-4-5 बच्चों के पेरेंट्स को भेज सकते हैं, तो वो टीचर के साथ ही रह करके इस वर्कशॉप को कर सकते हैं, और कम से कम एक आपको स्मेल आ सकता है कि पेरेंट्स पे कैसा इफेक्ट डाल रहा है, नंबर वन। ओके सर। नंबर टू, इन मीन वाइल हम धीरे धीरे अपने टीचर्स को डेवलप कर लें रिसोर्स पर्सन तक साल भर में, 2 साल में, उसमें AICT NCERT आपको बहुत हेल्प करेगी। फिर जब वो डेवलप हो जाए तो फिर हम अपने यहाँ रेगुलर प्रोग्राम चला सकते हैं ओके okay. जी। तो उसका कुछ वेबसाइट पे मिलता है क्या हमें, हाउ टू जी कांटेक्ट, जी कैसे? जी, उसके लिए उसके लिए उसके लिए जब भी वर्कशॉप आपके रीजन में प्लान होते हैं तो आपके रीजन के जो रीजनल ऑफिसर हैं AICT के, उनके तरफ से मेल जाता है डायरेक्टर को, और साथ साथ AICT के वेबसाइट पे भी वो प्रोग्राम समय समय पर दिखाई देते रहते हैं, जो SIP की जो लिंक है उस पर AICT पे, वहां से भी आपको प्रोग्राम्स के बारे में पता लग जाएगा। बाकी जो उपासना दीदी हैं, उमेश जी हैं, ये सब लोग अपने नंबर्स भी आपसे शेयर करेंगे, या ये जो टेक्निकल टीम ने शेयर किया है, आवश्यकता पड़ने पर आप इनको फोन करके भी प्रोग्राम की डिटेलिंग ले सकते हैं। ओके, धन्यवाद।